हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 100 गज के प्लॉट में कितने स्क्वायर फीट होते हैं या गज को स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी न कभी हम सब लोग प्लॉट खरीदते या बेचते हैं, इट मींस सेल या परचेज जरूर करते हैं, और आपको यह नहीं पता कि कितने स्क्वायर फीट में कितने गज होते हैं और कितने स्क्वायर यार्ड में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी बातें बताऊँगा। बस आपके 2 या 3 मिनट लूंगा, बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि हमारा एक यार्ड 3 फीट के बराबर होता है और यार्ड को ही हिंदी में गज भी बोलते हैं, मतलब एक गज 3 फीट के बराबर हुआ। तो दोस्तों, 1 फीट होगा हमारा 1/3, मतलब 0.33 यार्ड यानी के गज के, और 3 फीट होगा हमारा 0.33 × 3, मतलब 1 यार्ड। तो 3 स्क्वायर यार्ड हमारा हो जाता है 9 स्क्वायर फीट के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार क्रिकेट कमेंट्री को सुना भी होगा, या आप यदि क्रिकेट खेलते होगे तो आप जानते होगे कि क्रिकेट की पिच 22 यार्ड की होती है, मतलब 66 फीट की। तो डियर फ्रेंड्स, यह फॉर्मूला आप याद रखिए कि 1 यार्ड में 3 फीट होता है, मींस 1 यार्ड 3 फीट के बराबर होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह एक हमारा प्लॉट है जिसका साइज है 30 × 30, मतलब इस प्लॉट की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई भी 30 फीट है। तो इस प्लॉट का एरिया मींस क्षेत्रफल हो जाएगा 900 स्क्वायर फीट। अब देसी भाषा में बात करें तो फ्रेंड्स, यदि आपके प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई फिट में दिया हुआ है तो आप दोनों का आपस में गुना कर देते हैं तो हमारा निकल कर आता है स्क्वायर फिट, मतलब आप लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दे तो आपका स्क्वायर फिट बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यह तो हुआ प्लॉट को स्क्वायर फिट में निकालने का तरीका। अब यदि आपको प्लॉट को गज में निकालना है और आपके प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई फिट में दी हुई है, तो इसमें आप अपने लंबाई और चौड़ाई को फिट को 3 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 30 × 3 × 30 × 3, तो यह आपका निकल कर आएगा 100 गज। और दूसरा, इसमें आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कि 9 स्क्वायर फीट हमारा होता है 1 स्क्वायर यार्ड के बराबर, मतलब 9 स्क्वायर फीट में 1 स्क्वायर यार्ड बनता है। तो हमारा प्लॉट का टोटल एरिया था 900 स्क्वायर फीट, तो इस 900 स्क्वायर फीट को हम डिवाइड कर देंगे 9 से तो हमारा आएगा गज। तो आप इसको 900 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 100 गज यानी के 100 यार्ड। तो फाइनल कैलकुलेशन यह है कि यदि आपको प्लॉट साइज फिट में दिया गया है तो आपका स्क्वायर फिट में प्लॉट का साइज निकालने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देना है, इससे आपका प्लॉट साइज स्क्वायर फिट में निकल जाएगा। और यदि आपको प्लॉट साइज गज में जानना है और आपका प्लॉट साइज फिट में दिया गया है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई को 3 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि आप 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 10 गज, ऐसे ही चौड़ाई 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 10 गज। अब दोस्तों, यह हो गया आपकी लंबाई और चौड़ाई, इसको आप अब फॉर्मूले में फिलअप कीजिए तो आपका निकल कर आएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो यह हो गया आपका 100 गज यानी कि 100 यार्ड। तो दोस्तों, यह तो हुआ प्लॉट का एरिया निकालने का तरीका स्क्वायर फीट में, गज में या यार्ड में। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार।